और एक बात हमेशा याद रखना शिव महापुराण की, जो दुनिया में बड़ों के आगे झुकता रहता है उसको जमाने में कोई उखाड़ नहीं पाता। एक कथा आपने सुनी होगी, एक नदी ने समुद्र से कहा, नदी समुद्र से बोली, ए समुद्र मैं बहुत बड़ी नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र ने कहा, नदी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। नदी कहती है, समुद्र मांग तो सही तुझे चाहिए क्या। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी को इतना अहंकार था, बड़ी अभिमानी नदी थी, और नदी ने कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए। समुद्र कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब नदी ने बार बार कहा, तब समुद्र ने देखा कि नदी का अहंकार कितना है, तो समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो दे दे, मुझे हरी हरी दूबा, हरी हरी घास लाकर दे दे। घास दूबा, हाँ नदी ने कब भी लाती। नदी गई और अपने पानी से नदी ने घाट पर जो दूबा लगी थी, घास लगी थी, उसको तोड़ने लगी। जैसे ही नदी का पानी दूबा को तोड़ने के लिए जाता, इतने में दूबा नीचे झुक जाती, फिर पानी उस पर जाता, दूबा फिर झुक जाती, घास फिर झुक जाती, घास टूटी नहीं पाई। जब घास नहीं टूटी, नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मैं घास नहीं ला सकी, मैं दूबा नहीं तोड़ सकी। इतने में समुद्र ने कहा, नदी मुझे मालूम था जो दुनिया में झुक जाता है उसे कोई उखाड़ नहीं पाता है, तू झुकने वाले को कभी जिंदगी में नहीं उखाड़ सकती। जी जियो, बस इतना निवेदन है, अपने बच्चों में, आप में, परिवार में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम झुकना सिखाएं, जिससे उसको कोई उखाड़ ना सके, कोई उसको उखाड़ ना पाए।